आज हम करने वाले एनसीईआरटी क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर का पार्ट 2 करने वाले। क्वेश्चन आपके सामने है कि हमें क्या करना है, फाइंड द एलसीएम एचसीएम फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई करना है। पहले एलसीएम इनटू एचसीएम निकालेंगे, उसका मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मल्टीप्लाई देखेंगे कि दोनों इक्वल है या नहीं है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें आपके लिए, ध्यान से सुनना। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं और कामयाब लोग अपने फैसले से पूरी दुनिया को बदल देते हैं। मैं विवेक पत्रिया आपका पीवीएस लर्निंग में स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं मेरे मित्रों क्वेश्चन को। देखो ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। सबसे पहले तीन काम हमें इस क्वेश्चन में करने हैं, तीन काम, ठीक है ना। अच्छा बुरा और तीसरा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये काम हमें नहीं करने, तीन काम इसके अंदर करने हैं हमें। सबसे पहले फैक्टर निकालना है, ठीक है, फिर हमें एलसीएम एचसीएम निकालना है और तीसरा इसको प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले इसका 26 और 91 का फैक्टर निकालो। ये छोटे नंबर है तो ऐसे निकाल लेते हैं अपन इसका 2 into 13। बड़े होते तो फिर वैसे निकाल के देखते हैं। 2 into 13 होगा इसका कितना होगा, 7 into 13। क्लियर है, ये इसके फैक्टर हो गए। सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ मैंने आपको कल भी समझाया था, मिनिमम पावर और जो कॉमन है वो ही लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो नहीं लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, पावर भी सिंगल है, वन ही है और ये कॉमन नहीं है तो सिर्फ 13 आएगा, 13 आएगा इसके अंदर। एलसीएम में क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर, जो कॉमन है वो भी लेंगे और जो कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 13 2 into 7। तो देखो ये क्या आ रहा है हमारा, 13 हो रहा है और ये कितना हो रहा है हमारा, 26 into 7। तो 26 into 7 रफ में करके देख लो, 42 और 182, ये आ रहा है हमारा 182। एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 182। अब हमें क्या कह रहा है ये कि LCM into HCF और product of two number कौन सा है, LCM HCF तो मैंने निकाल लिया, product of two number है हमारे 26 और 91। तो एक बार तो इन दोनों को multiply करो और एक बार इन दोनों को multiply करो, अगर same आता है तो आपका verify बिल्कुल सही है, आपने जो answer निकाला है वो चकदे पट्टे है। इधर देखो ध्यान से, सबसे पहले LCM हम verify कर रहे हैं इसको, LCM into HCF इक्वल टू एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला लिख देता हूँ आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो देखो एलसीएम कितना हमारे पास, एलसीएम है एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसको लगा दो ब्रैकेट, एलसीएम कितना है हमारे पास 182 और एचसीएफ कितना है हमारे पास 13, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है 2366, ठीक है। अब आगे बढ़ो, दूसरा कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, एलसीएम और एचसीएफ पर मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर नंबर्स, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन कौन से होंगे, 26 और 91, तो मल्टीप्लाई कर दो 26 into 91, तो ये भी क्या आ रहा है 2366 करके देख लो, ठीक है ना, 6 into 2 18, तो यही आ रहा है, चलो यही आंसर आ रहा हमारा। अब ध्यान से देखना, दोनों सेम आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये हमारा हैंड्स प्रूव है, सही है ये, सब क्वेश्चन में यही करना है। इसका फर्स्ट तो ये करा दिया मैंने, सेकंड में भी यही करना है, थर्ड में भी ये करना है, पहले फैक्टर निकालो फिर एचसीएफ एलसीएम निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को मल्टीप्लाई करो, अगर सेम आता है तो बल्ले बल्ले, नहीं आता है तो तुनुक तुनुक। फटाफट से आप इसका ले लो एक बार, इसको भी सेम टू सेम करेंगे, 510 के पहले फैक्टर निकालेंगे, 92 के भी फैक्टर निकालो। सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए इनका फैक्टर निकालना। अब देखो ये थोड़े बड़े नंबर है तो इनको एक काम करो अलग से निकाल के देख लेते हैं अपन, 510 का निकालो पहले,
तो इसमें टू से जाएगा पहले, तो टू से जाएगा कितना आ रहा है ये, टू फाइव और फाइव, फिर किससे जा रहा है, फिर ये जा रहा है हमारा, सही तो है ना, हाँ सही है, फिर ये जा रहा है हमारा थ्री से एट्टी फाइव, फिर ये जा रहा है फाइव से सेवनटीन सेवनटीन वन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा, इसके फैक्टर देख लो, टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवनटीन, बड़े नंबर जब आ जाए ना तब आप ऐसे निकाल लेना। फिर 92 का निकालो, 92 का क्या होगा, 2 46 2 23 23 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 into 2 into 23, क्लियर है, बस खत्म, टाटा बाय बाय। ओके देखो हाथ देखो कैसा हो गया मेरा, ब्लैक 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 मैजिक अमिताभ बच्चन, इधर देखो ध्यान से। तो ये हो गया, फैक्टर निकाल लिए। अब फैक्टर निकालने के बाद ये कह रहा है कि भाई साहब एलसीएम निकालो, है ना, और एचसीएफ भी निकालो। तो एलसीएम क्या होगा हमारा, मैक्सिमम पावर। तो इधर देखो ध्यान से, ये तो क्या है, 2 into 3 into 5 into 17, और इसको ऐसे लिख लो 2 की पावर 2 into 23। तो मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2 की पावर 2 होगी। जो कॉमन नंबर है वो भी ले लो, जो कॉमन नहीं है वो भी ले लो, तो 3 5 17 भी ले लो into 23। इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 3 4 6 0 2 3 4 6 0। आप करके देख लो इसको, यही आंसर आएगा 2 3 4 6 0। अब एचसीएफ क्या होगा आपका, मिनिमम पावर, और जो कॉमन है सिर्फ वो लेंगे, बाकी को सबको बर्खास्त कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ 2 आएगा यहाँ पे, बाकी कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है। देखो 3 इसमें नहीं है ना, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें नहीं है, तो नहीं लेंगे, छोड़ दो उसे। तो ये हमारा एचसीएफ क्या आ गया यहाँ पर, एचसीएफ आ गया हमारा 2। तो एलसीएम हमारा ये हो गया, एचसीएफ हमारा ये हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। वेरीफाई कर दो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 3 4 6 0 into 2, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ रहा है 0 92 46, ठीक है ना, टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब ये कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर को भी मल्टीप्लाई करो, ये वेरीफाई है ना, वेरीफाई कर रहे हैं अपन। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से हो जाएंगे हमें, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये वाले 510 और 92, तो ये हो जाएगा 510 इंटू 92, तो ये हो जाएगा 46920, तो हो गया ना बराबर। तो ये क्या आ गया, हैंड्स प्रूफ कि ये दोनों क्या है, बराबर है, खेलो इनके साथ डांडिया, दोनों बराबर है। फटाफट से नेक्स्ट करेंगे, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, सेम करना है, फैक्टर निकालो, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ निकालो, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई करो, आंसर वेरीफाई करो। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आएगा। आओ देखते हैं मित्रों, 336 और 54 का निकालो फैक्टर। तो सबसे पहले फैक्टर निकालने हैं तो आप लगा लो, इधर अलग से कर लो, 336 में 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 6 और 8, फिर 2 से करो, जब तक करेंगे जब तक 2 से जाएगा, तो 84, फिर 2 से करो 42, फिर 2 से करो 21, फिर 3 से करो 771, खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 into 3 into 7, 54 का भी निकाल लो ऐसे ही। ओके सही कर दीजिए, ओके थोड़ी सी डिजास्टर आया, अभी भूकंप आया, तो ये हो जाएगा हमारा 54 54, जैसे 336 का निकाला वैसे 54 का भी निकाल लो, तो ये हो जाएगा 54, तो ये हो जाएगा 27, फिर 3 से करो फिर 9, फिर 3 से करो 3 3 1, बस खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये हो जाएगा 2 into 3 की पावर क्यूब, इसको हटा दो,
हाथ धो लेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 की पावर क्यूब। एलसीएम निकालो, सबसे पहले एलसीएम क्या आएगा देखो, इसका एलसीएम आएगा इसका मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर क्या होगी, 2 की, 2 की पावर 4। उसके बाद 3 की मैक्सिमम पावर क्या है, 3 की पावर क्यूब। और 7 भी लेंगे क्योंकि इसमें कॉमन भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं है वो भी लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा 3024, ठीक है ना, 3024 ये हमारा एलसीएम आएगा। एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ निकाल लो, मिनिमम पावर जो कॉमन है वो लेंगे, जो कॉमन नहीं है वो नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगा 2, मिनिमम पावर 2 और इसकी मिनिमम पावर 3, और 7 नहीं लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो एलसीएम आ गया हमारा 3024, एचसीएफ आ गया 6। अब ये वाला लगा दो एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो वेरीफाई कर लो फटाफट से, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो एलसीएम कितना आया 3024 इंटू 6। ओके, तो 3024 इंटू 6 क्या हो जाएगा हमारा 181 4 4। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट कौन से नंबर, ये वाला और ये वाला, तो क्या ये भी यही आ रहा है क्या आंसर, अभी चेक कर लेते हैं। तो ये आ रहा है 18144, दोनों का आंसर सेम है, हैंड्स प्रूव। बस यही हमें निकालना था, क्या करना है इन क्वेश्चनों में, सबसे पहले फैक्टर निकालना है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को सेम चेक करना है, खत्म, टाटा बाय बाय। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर हम आपको आपके कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं जो कल आपने किए थे। चलो एक बार आपके कमेंट पढ़ लेते हैं। मीमांसा कह रहे हैं, सर कॉन्ग्रेचुलेशन, हमें भी थोड़ा पास कर दीजिए, क्या चाहिए आपको, हनी शहद, आपको भी दे देंगे। चलो कैसे भेजें ये बताओ जल्दी से। फ्रूटी रानी कह रहे हैं, सर यू विल डिजर्व इट, मोजे ही मोजे सर आपके, तो बिल्कुल हमें भी क्रेडिट दीजिए, आपका ही है पूरा क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट नेट बैंकिंग और सब कुछ आपका ही है, और क्रेडिट कार्ड सब कुछ आपका है। सौर्य कह रहे हैं, सर वो मास्क पीछे की तरफ से, अच्छा वो मास्क पीछे की तरफ से, हाँ अब तो आ गया मुझे वो मास्क। एलके शर्मा थैंक यू सो मच, सर यहाँ तो बॉम्ब भी फोड़ देना तो भी आतंकवादी नहीं होता है। हाँ ये बात आपकी सही है रविंदर, लेकिन वो जमाने गए, अब चेंज हो चुका है, जो गलत करेगा उसका इलाज हो जाएगा। उसके बाद हमें भी गिफ्ट चाहिए, रिशु आपको भी गिफ्ट मिल जाएगा, थैंक यू सो मच। नीलम अश्विनी जीत हार्ड की कह रहे हैं कि सर मैं, हमारे यहाँ पर बहुत तेज रेन आ रही है, मतलब अभी आया था ना एक तूफान, उसकी वजह से मेरा नेटवर्क ख़राब हो गया था, अब से मैं डेली देखूँगा। थैंक यू सो मच हार्ड की सक्सेस, अमेजिंग फैक्ट, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आशुतोष, रोहित जय हिंद बेटा, नाइस जो, मनदीप, रिशु थैंक यू सो मच, सभी बच्चों को थैंक यू, मैसेज कमेंट तो बहुत सारे हैं, सबको थैंक यू सो मच। जो यूट्यूबर यहाँ पर मैसेज करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू, रेस्पेक्ट। इसलिए अपनी फैमिली को बढ़ाते चले जाओ ताकि अपन यहाँ पर और नई नई चीज़ें लेकर आए। शेयर कर दो, रेड बटन जो है उसको सब्सक्राइब कर दो क्योंकि फ्री है, पैसा तो लग ही नहीं रहा। लाइक कमेंट ज़रूर करें, मैं खुद आपको रिप्लाई करूँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। बाय बाय।